रोहतक में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे। ओपी धनखड़ ने इस दौरान खबरें अभी तक से बातचीत की और बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है और इस बैठक में बीती योजनाओं और आने वाली योजनाओं के लक्ष्य तय किए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला, कहा विपक्ष को सेहतमंद रहना चाहिए। तो विपक्ष को सेहतमंद रहने की नसीहत दी है। आज होने वाली बैठक में तमाम नेता बीजेपी के शामिल रहे हैं। ओपी धनखड़ से खास बातचीत की है खबरें अभी तक में, और अपनी खास बातचीत में ओपी धनखड़ ने कहा कि विपक्ष को सेहतमंद रहना चाहिए। विपक्ष की भूमिका काफी बेहतर है लोकतंत्र को बनाने के लिए और विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज की मीटिंग का क्या उचित है? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के बाद ये कार्यकारिणी हो रही है और आगामी विधानसभा चुनाव भी सामने हैं, तो पहले जो हुआ है उसकी खुशी का इजहार और आगे जो होना है उसकी योजना, दोनों ही इसका उद्देश्य है। लगातार विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, क्या लगता है आपकी बार? विपक्ष को थोड़ा सेहतमंद होना चाहिए। जो अच्छा विपक्ष, समर्थ विपक्ष जो है वो लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन घर की लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही, किसी के घर में लड़ाई मच गई है तो किसी की पार्टी मच गई है, तो हेल्दी होकर जो है ये विवाद ख़त्म करें और विवाद ख़त्म होकर लोकतंत्र में अच्छी परफॉर्मेंस करें, यही उनके लिए मैं कहूँगा कि भाई उचित भी है और जो है लोकतंत्र के लिए भी स्वस्थ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बीजेपी में उसकी भी जगह है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बीजेपी में जगह है, वो आना चाहते हैं तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसकी सदस्यता सबके लिए खुली होती है, इसलिए कोई भी यहाँ एप्लीकेशन देता है और कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी सामान्यतः उसके दरवाजे खुले हैं। जब तक कि किसी की कोई ऐसी बात नहीं हो कि भाई उसकी छवि, उसका ऐसा विषय नहीं, तो सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे खुले होते हैं। खबरें अब तक के लिए कैमरामैन अमित के साथ मैं सुरेंद्र सिंह।